A very good evening to all of you. Myself, Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So, कल से आपके UGC NET के exams start होने जा रहे हैं. तो first of all the best students जिनका कल exam है, I hope आपने अच्छे से preparation करी होगी. Right? अब I know 150 questions में से 150 questions हमें exam hall में आते हों, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, मतलब रेयर केस, राइट. लेकिन बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कैसे स्मार्टली टैकल करना है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, राइट. मतलब यूजीसी नेट का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे 150 क्वेश्चंस करके आने हैं. सो 150 क्वेश्चंस करते वक्त कुछ क्वेश्चंस मुझे आते होंगे और कुछ नहीं आते होंगे. जो नहीं आते होंगे उन्हें कैसे स्मार्टली टैकल करना है वो हम आज की क्लास में देखेंगे. देखो, सबसे पहली बात, स्मार्टली टैकल करने से पहले हमें क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. तो मेक श्योर ऐसा ना हो आप स्टार्टिंग से ही हर एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो. आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले जल्दी 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 आप उन्हें कर लीजिए, फिर जो टाइम बच जाएगा उसको टाइम को आप डिवोट करिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, लेंथी क्वेश्चंस में, या वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते, राइट. अब मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं स्मार्ट गेस्ट की. मैंने बहुत बार अपनी लाइव क्लासेस में भी आपके साथ शेयर किया है. अब याद रखना, स्मार्ट गेस्ट करने के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग आप में एक कॉमन सेंस होनी बहुत जरूरी है. अगर कॉमन सेंस है तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके करेक्ट होंगे और आपको नहीं आते होंगे, मतलब क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा और आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, राइट. देखो, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन में कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है. हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ऑप्शंस में जाके रिलेट करो कि कहीं से कहीं क्या वो कीवर्ड को आप रिलेट कर पा रहे हो. एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, अब उसमें इवेल्युएशन की बात हो रही है और अगर आपके पास चार ऑप्शन है, एक में बोला हुआ है कि लेट्स से क्राइटेरिया बेस्ड इवेल्युएशन, नॉर्म बेस्ड इवेल्युएशन, और फिर आता है हमारे पास लेट्स से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन. अब इस केस में चार ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन के कीवर्ड्स में फिगर आउट करोगे या तो ऊपर वाले दो में से आंसर होगा या नीचे वाले दो में से आंसर होगा. तो कहीं ना कहीं आपने कीवर्ड से फिगर आउट करा और कुछ ऑप्शंस में से आंसर ढूंढ लिए. अब जैसे लेट्स से स्टेटमेंट बात कर रही है कि कंपैरिजन किया गया है, तो दैट इज नॉर्म बेस्ड रेफरेंस टेस्ट, कि हमने नॉर्म्स बना रहे हैं कि हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी कैसी है वैसे. या अगर हम बोले कोई स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड टीचिंग में क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. तो ऊपर अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वर्ड है तो मैं नीचे देख रहा हूं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया वर्ड मैं पकड़ पा रहा हूं. तो कीवर्ड्स को ही अगर मैच कर लूं, लेट्स से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़ा हुआ, तो अगर मैंने कीवर्ड्स को मैच करा तो बहुत बार चांसेस होंगे आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ग्रेजुएशन करके आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो एक सब्जेक्ट में, तो इतना तो आपने पढ़ा है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए. बस पॉइंट का है आप उस कीवर्ड को रिलेट कर पाओ उस टाइम, राइट. एक चीज आप ये फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब सारे क्वेश्चन में आपको 100% पता हो ऐसा नहीं होगा, कईयों के ऑप्शन आपको पता होंगे गलत होंगे, कईयों के ऑप्शन आपको पता होंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन है लेट से ए बी सी डी, अब इसमें आपको पता है कि डी गलत है भाई, बी गलत है, तो ए और बी में से ही आपको अपना गेस लेना है, राइट. कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप कई इवन थ्री ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे, तो एलिमिनेशन मेथड का अच्छे से इस्तेमाल करना है, यूज करना है अपने क्वेश्चंस में. मैथमेटिकल रीजनिंग में कितनी बार मैंने आपके साथ प्रैक्टिस के साथ शेयर किया है कि जब मैं डिविजन कर रहा हूं लेट से,
तो मैंने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, लेट्स से डिवीजन करते हुए, कोई बहुत लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं मैं, उसमें मैंने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं पॉइंट्स में करेक्ट नहीं भी होना चाह रहा था, उधर मैं फर्स्ट पॉइंट मेथड से भी एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करता हूं। मतलब एलिमिनेशन मेथड आपका टाइम सेव करने में भी हेल्प करता है, साथ साथ आपके आंसर को करेक्ट भी बनाता है, राइट? तो एलिमिनेशन मेथड का अच्छे से यूज करना है एग्जाम हॉल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑल ऑफ द अबव, मतलब अगर मैं बोलूं तो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर या मैं बोलूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस का बहुत एडवांटेज होता है। पहले जैसे मैंने एग्जांपल बोला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड, ध्यान से सुनना। अब होगा क्या, लेट्स से आपको 3 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं या 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक या दो स्टेटमेंट्स के बारे में श्योर हो गए। स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ता है, लेट्स से दिस आर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्स वाई जेड। अब वो सोचता है कि यार एक्स वाई जेड तो मेरे को आता ही नहीं, उसने स्टेटमेंट्स ही नहीं पढ़ी, उसने स्टेटमेंट्स ही नहीं पढ़ी। बट अगर वो स्टेटमेंट्स पढ़ने जाता तो कुछ स्टेटमेंट्स को वो अपने आप ही रिमूव कर देता कि भाई ये आंसर में होंगी नहीं, या ये वाली स्टेटमेंट सॉरी ये वाली स्टेटमेंट्स तो पक्का ही करेक्ट होंगी। उस केस में जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में भी होगा, लेट्स से सॉरी चार वो है आपके पास ऑप्शंस, तो चार में से आपको एक या दो के बारे में पता होगा उस केस में। या मैं बोलूं आपका प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, कि लेट्स से आपको प्रोसेस फाइंड आउट करना है, तो आपको बताया कि भाई ये वाला स्टेप इससे पहले नहीं आ सकता। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऑप्शंस के थ्रू आंसर करना है, ऑप्शंस के थ्रू आंसर करना है। कि लेट्स से मैंने फिगर आउट कर लिया कि भाई ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, तो मैं ढूंढूंगा चार ऑप्शंस में से कहीं स्टेटमेंट नंबर 1 कहां पे है, बाकी 3 को हटा दिया, राइट? सिमिलरली मैच द फॉलोइंग में मेरे को करना है, और कहीं ना कहीं मुझे रिकॉल होगा कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी सब्जेक्ट्स मेजरली हम पढ़ के आए अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में थोड़ा बहुत तो होगा ही हमारे। तो मेक श्योर हम इस चीजों का भी ध्यान रखें, डायरेक्टली ऐसे ना करने लग जाए क्वेश्चन सामने आया चलो सी, चलो ए, चलो एबीसीडी, एपीसीडी, वो वाला गैस भी नहीं करना है, ठीक है? ये बात समझ आ गई। अच्छा, ऑल द बेस्ट में क्या, ऑल द ऑफ द अबव में क्या होता है, मेजरली जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, मैंने एक चीज नोट करी है कि अगर स्टेटमेंट्स में ऑल ऑफ द अबव है और आपको एक आधी करेक्टर लग भी रही है, तो जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है आपका। तो अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो ऑल अबव द अबव पे टिक मार के आ जाओ, राइट? ट्राई करो ऑप्शंस में ऑड वन आउट को फिगर आउट करो, राइट? समझ आ गया। और जो मेजर चीज होती है, मेजर चीज होती है, कभी कभार हम अपनी ओवर थिंकिंग के कारण भी आंसर्स गलत कर देते हैं। क्वेश्चन सामने आता है, कोई ना कोई हमारी इंट्यूशन कह रही होती है ये राइट आंसर है, फिर हम उसे ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे केसेस में हम आंसर गलत मार्क करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता आंसर, तो जो इंट्यूशन कह रही है जल्दी से टिक मारो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ना हो हम स्मार्ट गेस लेते वक्त ही टाइम वेस्ट करने बैठ जाए, राइट? तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कल एग्जाम देते वक्त, और या आगे जो डेट्स में आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली पे फोकस कर लेना। 3 आर का पेपर रहने वाला है, लेंथी पेपर रहेगा, तो ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूट जाए, तो अपना टाइम बिल्कुल फिगर आउट करके चलना कि कैसे वर्क आउट कर रहा है। कि 1 आर हुआ है आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 आर में फिर 50 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इसको स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा प्लान करके चलना, तब भी एग्जाम एंड तक देख पाओगे। देखो एंड में होता क्या है, आरसी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो इजी होते हैं बच्चे स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो एंड तक पहुंचते ही नहीं, या बहुत ही कम टाइम होता है जब तक वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंचते हैं। तो मेक श्योर कल आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके चले, और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं है अभी, अपना कामली जल्दी उठ के एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के एग्जाम देके आना। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है, कौन सी वीडियो में, जो एडमिट कार्ड आउट वाली वीडियो है, नोटिफिकेशन वाली, उसमें आपको डिटेल बता दिया है कि किस किन पॉइंट्स का खास कर ध्यान रखना है ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको अपने एग्जाम वाले दिन, ठीक है?
So that's all from my side. Bye bye. Take care. All the best.